सामूहिक यहाँ पे झंडारोहण होगा। सिविल और सारे लोग, हर आदमी को ये खुशी मिले, अंतरात्मा उसकी खुश हो कि आज उसने भी झंडारोहण किया। और ये जब से 2015 से शहीद वाल बनी तब से ये प्रक्रिया झंडारोहण होगा सामूहिक। भारत माता की जय। आवाज नहीं निकल रही पता नहीं लगा। भारत माता की जय। हम लोग के बीच से नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे और इनको सम्मान देने के लिए हमारे पितामह साहब जो कि हमारे फाउंडर हैं वो स्टेज पर आए और अपना सम्मान दे साहब फोटो वगैरह लेते हैं ना इनो साहब तो आपको फोटो पे हमेशा ऐसे है एक और ऐसे जोरदार तालियां होनी चाहिए। महान आदमी हमारे बीच में है। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि दो शब्द साथी प्रकट सिंह साहब हमारे संस्था हमारे लोगों के लिए आशीर्वाद दें प्लीज। पहले तो मैं सबसे पहले जितेंद्र जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना मुझे सम्मान दिया है। और मैं इसके लायक तो नहीं हूँ पर ये समझते हैं तो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू मेहरबानी। रास्ता लंबा है कठिन है बहुत कठिन है जैसे बोल देते हैं ना कांटे बिछे हुए हैं उनसे गुजरना पड़ता है। तो ऐसा ही ये हमारा सबका वालों का इतिहास भी है। सबसे पहले वैसे तो हम 1902 से ये काम शुरू किया है लेकिन उस टाइम हमारी ये जो सोसाइटियां हैं ना उन्हीं के रूप में थी लेकिन बड़े उतरा चढ़ाव आए 8 में वो सब छोड़ दिया लोग भी बिखर गए। ऐसे हमारे कमांडर थे एक हमने नायक को वहाँ पर कमांड दी हुई थी 6-7 साल वो हमारा कमांडर भी रहा लेकिन उसने उससे गलतियाँ बहुत हुई जिससे बड़े बड़े कैप्टन साहब सूबेदार मेजर साहब
सूबेदार सभी नाराज हो गए कि हम तेरे को इतना सहयोग कर रहे हैं और तू हमें गलत रास्ते पर ले गए। सबको छोड़कर 208 में हमने ये मैं हरबाल जी को अपना दिल और दिमाग भी मानता हूँ क्योंकि वो पढ़िया लिखिया लड़का है। उस टाइम वो जल्दी 15 साल नौकरी करके आ गया था। उस टाइम हमने सबका बनाया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का उस टाइम से दौर शुरू हुआ। 5वें महीने मई में 10वें सबसे पहले आप लोग भी शायद कभी सुना होगा कि एक हमारे इंडिया से दिल्ली से बस चलती थी वन पेंशन का आर्डर होना था 15 सितंबर 2009 तो हम मेरे ख्याल में जथेबंदियां भी शायद आप लोग समझते होंगे। जथेबंदियां ने इसमें कहा है कि जितनी संस्थाएं और आज भारतवर्ष की 150 से ऊपर की करीब संस्थाओं ने फेडरेशन को समर्थन दे चुके हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे लड़ाई लड़िए। फेडरेशन का मेन काम क्या है कि आने वाली जो भी मीटिंग पहले ऑफिसर करते थे वो अब फेडरेशन करेगी और हमारी मांगों को सरकार के बीच रखेगी। इसके लिए मैं फेडरेशन को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ और अपने फाउंडर अपना गौसल सिंह साहब को जिनकी देख रेख में अपने प्रकट सिंह साहब की देख रेख में जो काम कर रही है सदा इसी तरह कार्य करती है। और एक चीज और बताता हूँ कि अब आगे से हमारा कोई भी मांग होगा हम डायरेक्ट फेडरेशन को देंगे और सरकार से हम भी जाके बात कर सकते हैं। ये वादा अगर किसी ने दिया है तो वो फेडरेशन ने दिया है, उसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। पहले तो उनका था ऑफिसर्स के पास था, आज वो हमारे पास है केवल सबका संघर्ष कमेटी की वजह से उनकी अगुवाई की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगा अपने परम जी साहब जो कि हमारे सबका संघर्ष कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं श्री साहब। इनके सम्मान के लिए हम चाहेंगे हमारे जिलाध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र प्रताप सोनी साहब आए क्योंकि उनके पास बहुत काम है और उसके बाद अपने काम पे देखें रैली की तैयारी करें प्लीज। इसके बाद एक हमारे बीच बहुत ही बड़ी हस्ती हैं सीएल सिंह साहब, उनके दो शब्द सुनेंगे क्योंकि आज पहली बार उनके माध्यम से सही बात पर हम लोग ध्वजारोहण करेंगे तो दोस्तों उनके भी सुनेंगे। शुभ अवसर पर जो हम आजादी का 70वां आजादी जिस मना रहे हैं उसके लिए हम आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और आज आपसे मिलने का जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसकी वजह है जो वेटरन इंडियंस वाले हैं उन्होंने हमको यहाँ आमंत्रित किया है और उनके बुलावे पर हम आपके पास आए हैं। आज जहाँ पर हमारी बहनें और हमारे भाई बैठे हुए हैं ये जो संघर्ष चल रहा है जंतर मंतर में तो ये तरह की पेंशन के नाम से चला था लेकिन उसमें एक हमारी मांग नहीं है। हमारे साथ और भी जगह जगह धोखे हो रखे हैं 8-7 मांगे हैं हमारी जिसमें जैसे मैं बताऊं कि डिसबिलिटी पेंशन है लड़ाई में जो ओवर रैंक है आगे ऊपर करता है और लड़के उसके बाद उसकी एक टांग कट जाती किसी आदमी की एक टांग कट जाती है उसको आज 100% डिसबिलिटी पेंशन केवल मिल रही है 26,000 और वही एक टांग एक ऑफिसर की कट जाती है उसको मिल रही है 2,52,000 से ऊपर 53,000 के पास। इतना एक तरह अंतर है जबकि हम लोग भी देश के लिए पढ़ते हैं और वो पीछे रह गए हमारे से पीछे है हम आगे लड़ रहे हैं लेकिन उसको कितना 2,52,000 26,000 पेंशन लड़ी है ये अंतर है। हमारी बहनें जो वीरांगना हैं उनके लिए कितना अंतर है
एक ऑफिसर की डेथ होने के बाद में उसकी ऑफिसर की वाइफ है वो हैजबिन इस टाइम मतलब 85,000 के आसपास पेंशन ले रही है, और हमारी जो पेंशन है उसको काट के जो हमारी बहनों की पेंशन रहती है कोई 11-12,000 14-15,000 के पास, जबकि उसके ऊपर और मुसीबत पड़ती है कि उसका पति चले जाता है, उसने अपने बच्चों को अपने पोती नाती सब उनको देखना होता है, लेकिन उसमें उसका गुजारा नहीं है। वो भी हमारे साथ ऐसे बड़ा धोखा है, ऐसे 6-7 धोखे हैं कंटीन में, और हमारे साथ वह मलबी अत्याचार उधर भी हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, उधर भी अंतर है। और ये मेडल वगैरह मिलते हैं, ये तो अभी भी ताज़ा मिसाल है आगरा की, घनश्याम नाम के आदमी ने बहादुरी की और उसका जो मतलब एयरफोर्स के थे तो उसका जो मेडल उसने अफसर को दे दिया, वो तो उसने केस किया, उसके बाद में उसको नौकरी डिसमिस किया, लेकिन उसने केस कर दिया और दोबारा वो मेडल भी मिला और नौकरी भी आया। मतलब ऐसे ऐसे जो गलती है हमारे साथ, हमारा भेदभाव के बीच में मतलब कुछ ले जा रहे हैं, जो बड़ा आदमी है वो अपने लिए गवर्नमेंट से साथियों पहले हमारी मांगों के लिए अफसर जाते थे, क्या करते थे वो टेबल टॉप में अफसर जाते थे, हम लोग पीछे बैठे रहते, वहाँ से वो पेट्रोल पंप वगैरह मंजूर कराते थे, एक अखबारों के इकट्ठे में जो पुराने लोग हैं जो पढ़िया होंगे पेट्रोल पंप से गैस समस्या वो गवर्नमेंट बोलती थी नीचे वालों को छोड़ो आपको क्या चाहिए ले लो। अभी हम लोग सबका सेलेक्शन कमेटी जो कि अभी पूरे मतलब कह लो कि FBA के नाम से इंडिया में फैल चुकी है, यही हमारी मांगे हैं, और जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम भी इस देश के नागरिक हैं लेकिन हमको जो नागरिक होते हुए हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम नहीं चाहते, हमारी भी वही इज्जत है, हम जो बड़े अफसर को मिल रही है वही हमको भी मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट होने के बाद में हमारे हक बराबर हैं, जो हक उसको है वो मेरे को हमको भी है, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। उस संघर्ष के लिए हम आपसे सभी से सहयोग चाहते हैं, हम आपको मांग मांगने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कोई बैठे बैठे छोटी मिसाल हम सभी देते हैं कि बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम या दूसरे के ऊपर डाल देंगे कि वो हमारी बात करेगा, वो ही नहीं करेगा, हम अपनी बात खुद करेंगे, इसमें हम सक्षम हैं बात करने के लिए, और हम आपसे ये सहयोग चाहते हैं कि कभी भी आपको जनतंत्र से कोई कॉल आती है हमारी बहनें भाई सब वहाँ पहुँचे, और दूसरी स्टेटों से मतलब तमिलनाडु वगैरह से मध्य प्रदेश से तो बहने बहुत गाड़ी भर भर के आती हैं, तो इसके लिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसके लिए आपका आपको बुलाया आपने और हमारा सम्मान किया, धन्यवाद, जय हिंद।